संजू में रणवीर कपूर के किरदार के साथ ही कमली के किरदार में विकी कौशल का अभिनय भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म से विकी ने हर किसी का दिल जीत लिया, जिससे हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। संजू के बाद अब विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म उरी की शूटिंग के चलते सर्बिया में है, लेकिन वहाँ विकी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सीधा हॉस्पिटल में एडमिट ही कर दिया गया। इनसाइड खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान विकी घायल हो गए। जी हाँ, विकी कौशल को फिल्म के सेट पर चोट आई और खबर है कि विकी कौशल एक्शन सीन के लिए रोज ट्रेनिंग ले रहे थे। विकी कौशल को फिल्म के सेट पर चोट आई, जिसके चलते तुरंत ही विकी कौशल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। खबर है कि विकी कौशल एक्शन सीन के लिए रोज ट्रेनिंग ले रहे थे। फिल्म में वो कई खतरनाक स्टंट करते दिखेंगे। इसी के चलते एक सीन की शूटिंग करते वक्त उनके हाथ में अचानक से दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें सर्बिया के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि विकी के मसल्स में सूजन आ गई है, जिसके चलते उन्हें तकरीबन एक हफ्ते तक रेस्ट करना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद सर्बिया में फिल्म की शूटिंग विकी दोबारा शुरू करेंगे। आपको बता दें कि भारत में 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए उरी हमले को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म में यामी गौतम भी नजर आएंगी। खैर, अब देखते हैं कि इस फिल्म से विकी कौशल क्या कमाल दिखाते हैं। अगर आप भी विकी को चोट लगने से हो गए हैं परेशान, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। संजू में रणवीर कपूर के किरदार के साथ ही कमली के किरदार में विकी कौशल का अभिनय भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म से विकी ने हर किसी का दिल जीत लिया, जिससे हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थक रहा है। संजू के बाद अब विकी कौशल अपनी अपकमिंग फिल्म उरी की शूटिंग के चलते सर्बिया में है, लेकिन वहाँ विकी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सीधा हॉस्पिटल में एडमिट ही कर दिया गया। इनसाइड खबरों की माने तो फिल्म की शूटिंग के दौरान विकी घायल हो गए। जी हाँ, विकी कौशल को फिल्म के सेट पर चोट आई और खबर है कि विकी कौशल एक्शन सीन के लिए रोज ट्रेनिंग ले रहे थे। विकी कौशल को फिल्म के सेट पर चोट आई, जिसके चलते तुरंत ही विकी कौशल को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। खबर है कि विकी कौशल एक्शन सीन के लिए रोज ट्रेनिंग ले रहे थे। फिल्म में वो कई खतरनाक स्टंट करते दिखेंगे। इसी के चलते एक सीन की शूटिंग करते वक्त उनके हाथ में अचानक से दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें सर्बिया के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि विकी के मसल्स में सूजन आ गई है, जिसके चलते उन्हें तकरीबन एक हफ्ते तक रेस्ट करना पड़ेगा। एक हफ्ते बाद सर्बिया में फिल्म की शूटिंग विकी दोबारा शुरू करेंगे। आपको बता दें कि भारत में 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए उरी हमले को लेकर ये फिल्म बनाई जा रही है। फिल्म में यामी गौतम भी नजर आएंगी। खैर, अब देखते हैं कि इस फिल्म से विकी कौशल क्या कमाल दिखाते हैं। अगर आप भी विकी को चोट लगने से हो गए हैं परेशान, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बिल्कुल।